सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी नए फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग प्रो स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग एंड दोस्तों क्या क्या इसका फीचर है। और जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि निंजा कॉलिंग प्रो, तो ऑब्वियसली कॉलिंग के फीचर्स तो होगा ही। और इसका प्राइस जो है करीब 2000 के आसपास है, तो इसी प्राइस में आपको जो है कॉलिंग स्मार्ट वॉच मिलता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्ट वॉच आपको लेना चाहिए या नहीं, सारा चीज़ आपको इसी वीडियो में क्लियर मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी जल्दी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो कर देना एक लाइक। तो चलिए ज्यादा देर करके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास आ गया है फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग प्रो स्मार्ट वॉच, जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बॉक्स कुछ आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा, साइड में आपको फायरबोल्ट लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे 1.69 का डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे साइड में कुछ आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जिसको हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको कुछ यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे आपको इस वॉच को यूज़ करना है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। दोस्तों इसको हम लोग सबसे पहले रखते हैं साइड पे। दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे और एक बॉक्स देखने को मिल जा रहा है। तो बॉक्स को अगर हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग प्रो स्मार्ट वॉच 1.69 डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे आप लोग जो है घड़ी देख सकते हैं, घड़ी का डायल 1.69 है, तो वो भी ठीक ठाक ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो घड़ी का प्राइस है, अगर उसके हिसाब से देखते हो तो इसका लुक भी बहुत ही अच्छा खासा है, और इसका डिजाइन भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक चार्जर भी मिल जा रहा है, जहाँ पे इसका चार्जर जो है बहुत ही अच्छा खासा क्वालिटी यहाँ पे है चार्जर का। दोस्तों अभी इस चार्जर को रखते हैं साइड में और बात करते हैं आगे कि स्मार्ट वॉच का फीचर्स क्या क्या यहाँ पे मिलता है हम लोगों को। दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको 20mm का स्ट्रैप मिल जा रहा है, जिसको आप कहीं भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, 39g का है, तो बहुत ही हल्का जो है आपको इसका वेट देखने को मिलेगा। दोस्तों स्मार्ट वॉच की लेफ्ट साइड पे आपको एक माइक और एक स्पीकर देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों राइट साइड में एक बटन दिया गया है, जहां से आप लोग है घड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों घड़ी को ऑन करने के बाद ही आपको यहाँ पे विराट कोहली का फेस देखने को मिल जाएगा, आप लोग जो है यहाँ पे खुद का फेसेस भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसको अगर आप लोग राइट साइड में स्लाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको स्लीप मोड, हार्ट रेट, प्लेयर और जो है वेदर का फीचर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आप और भी शॉर्टकट यहाँ से जो है ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे घड़ी का टच क्वालिटी जो है वो भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसी जो है प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा खासा टच देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम लोग जो है अगर नीचे की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को मैसेज का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ऊपर की साइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेटिंग, यहाँ पे जो है आप लोग ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कम ज़्यादा यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो है सेटिंग भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो है कॉल ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप लोग सेटिंग का क्लिक करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले, कॉल एरर, DND मोड, लो पावर मोड और बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कॉलिंग मोड को जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से जो है आप मेनू व्यू को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जो आपको अच्छा लगा वो यहाँ पे आप लोग जो है सेट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग अगर इसके लेफ्ट साइड में क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपने जो जो ऐप रिसेंटली यूज़ किया वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेनू भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक्टिविटी, फोन कॉल, हार्ट रेट, स्लीप मोड, ब्लड प्रेशर, ट्रेनिंग, वेदर, मैसेज, प्लेयर, काउंट डाउन, गेम्स और दोस्तों बहुत ऐसा कुछ चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही फायदेजनक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को गेम भी बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा, जिसको खेल के आप लोग जो है टाइम पास वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने घड़ी को कर लिया है मोबाइल से कनेक्ट, तो उसके लिए आपको सिंपली दाफिट नामक एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, तो घड़ी जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा आपका स्मार्टफोन से। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है ब्लड प्रेशर माप रहे हैं, तो देखते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा जो है क्या आता है, यहाँ पे जो है टेस्टिंग हो रहा है, तो ये देखिए हमारा जो है ब्लड प्रेशर आ गया। दोस्तों आप जो है इसको सिंपली एक आइडिया के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग जो है अपना हार्ट रेट भी चेक करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच है, यहाँ पे जो है हार्ट रेट यहाँ पे चेक कर रहा, तो ये देखिए 74, 76, 77। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो है आप सिंपली एक आइडिया लगाने के लिए यूज़ करिए, सीरियस कंडीशन में मत यूज़ कीजिए। तो ये देखिए हार्ट रेट जो है हमारा यहाँ पे आ गया 93 BPM जो है हमारा हार्ट रेट है यहाँ पे आ गया। दोस्तों चलिए कर लेते हैं अब इस स्मार्ट वॉच का साउंड टेस्टिंग। फर्क नहीं पड़ता मेरा, रब जानता क्या सही और
से यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो चलिए कर लेते हैं आप इसका कॉलिंग टेस्ट। दोस्तों फोन से कनेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ तीन ऑप्शन आएगा, रिसेंट कॉल, डायल पैड और कॉन्टैक्ट। दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे डायल करके कुछ भी नंबर डायल करके आप लोग जो है यहाँ से कॉल लगा सकते हैं। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से जो है आप लोग कॉल को म्यूट और स्पीकर में भी दे सकते हैं। यहाँ पे साउंड एडजस्ट भी आप लोग कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है 10 नंबर को फेवरेट करके रख सकते हैं आपके इमरजेंसी के लिए। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई कॉल करता तो एक स्मूथ सा एक प्यारा सा वाइब्रेशन देखने को मिलता है और इंटरफेस कुछ आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है आप लोग यहाँ पे कॉल को रिसीव और कॉल को कट भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए कर लेते हैं अब इसका माइक टेस्टिंग। दोस्तों अभी आप लोग जो साउंड सुन रहे हैं वो इसी माइक से जो सुन रहे हैं, तो इस माइक से जो है साउंड आ रहा है। तो दोस्तों साउंड क्वालिटी आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा खासा साउंड क्वालिटी लगा। इसी प्राइस में जो है आपको बहुत ही अच्छा खासा साउंड क्वालिटी मिल जा रहा है। आप लोग जो है यहाँ पे साउंड क्वालिटी देख सकते हैं और दोस्तों साउंड क्वालिटी कैसा है आप कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग साउंड क्वालिटी पे सुन चुके हैं तो बहुत ही अच्छा खासा साउंड क्वालिटी आपको दिख रहा है यहाँ पे। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इस प्राइस में हमको बहुत ही अच्छा खासा एंड बढ़िया स्मार्ट वॉच मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा खासा फीचर के साथ आ रहा है। तो दोस्तों मैं तो रिकमेंड करूँगा ज़रूर आप लोग जो है ये वॉच ले सकते हैं, जो है बहुत ही बढ़िया आपको वॉच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसी प्राइस में। दोस्तों यही थी आज का वीडियो, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को जो लाल कलर का बटन उसको कर लीजिए क्लिक, उसके बाद घंटे के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको जैसे मिल जाए। तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहे, सपोर्ट करते रहे ग्रो अप टेक को। गुड बाय।